इसराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर से टेंशन बढ़ गई है। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इसराइल के ऊपर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया था। इस हमले की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। इस बीच इसराइल ने हमास पर भी हमला किया और कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा भी किया। आपको बता दें, ये पूरा झगड़ा उस 35 एकड़ प्लॉट का है जिसमें अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है, जहां तीन धर्म यहूदी, ईसाई और मुस्लिम अपना दावा करते हैं। तीनों उसे अपनी आस्था का सेंटर मानते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसराइल में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं और उनकी कितनी आबादी है। तो आपको बता दें कि इसराइल को यहूदियों का देश माना जाता है। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि इसराइल से ज्यादातर मुस्लिम देशों की नहीं बनती है, क्योंकि इसराइल अरब मुसलमानों का गढ़ कहे जाने वाले फिलिस्तीन को टुकड़े कर बना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इनकी जनसंख्या क्या है, ईसाइयों और बाकी धर्मों का यहाँ क्या हाल है। तो आपको बता दें कि इसराइल की आबादी लगभग 94 लाख है और इसमें 18% अरब मुस्लिम रहते हैं, यानी कहा जाए तो 17 लाख के करीब मुस्लिम रहते हैं। वहीं यहूदियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा 74% है। माना जाए तो 70 लाख आबादी यहूदियों की है और बाकी 7 लाख में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ईसाइयों की बात करें तो ये सिर्फ 2% है, 2 लाख के करीब ईसाई रहते हैं। वहीं इसके अलावा 1.30% द्रुजिस्म लोग रहते हैं। जेरूसलम इसराइल यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की बहुत पवित्र जगह है। वो जगह इसराइल के कब्जे में है, इसलिए वहाँ की कुछ मुस्लिम आबादी भी इस राज्य में रहती है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो इसराइल में 74% यहूदी लोग रहते हैं, 18% मुसलमान, 2% ईसाई और 1.30% द्रुजिस्म लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू भी रहते हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी संख्या। भारतीय दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक इसराइल में 18,000 से ज्यादा हिंदू भी रहते हैं। यहाँ हिंदू नागरिकों को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तो चलिए अब इस विवाद के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक स्वतंत्र अरब और यहूदी देश बनाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी थी। योजना को यहूदी एजेंसी ने तो मंजूरी दी, लेकिन अरब नेताओं ने नकार दिया। 1948 में यहूदी एजेंसी ने इसराइल नाम का स्वतंत्र देश बना लिया। इसके बाद अरबों और इसराइल में जंग शुरू हो गई। इसराइल पूरे यरूशलम को राजधानी बताता है, उधर फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी बताते हैं। इस इलाके को इसराइल ने 1967 में कब्जे में ले लिया था। यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के पवित्र स्थल हैं। यहाँ मौजूद टेंपल माउंट यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहाँ अक्सा मस्जिद भी है, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इस हिसाब से ये तीनों धर्मों के लिए काफी महत्व रखती है और ये सारा झगड़ा 35 एकड़ जमीन को लेकर ही हो रहा है। अब आगे ये झगड़ा रुकता है या फिर और बढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इसराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।